दोस्तों, हमने सेल फ्रैक्शन के बारे में तो पढ़ लिया, अब हमारा एक लास्ट इसमें टॉपिक रह गया ब्लड के अंदर, वो है प्लाज्मा। तो चलिए दोस्तों, इसको हम डिटेल में जानें। ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा होता है, और उस 55% में से भी 90 से लेके 92% तक वाटर होता है, और 8% में कुछ सब्सटेंसेज होते हैं जो प्लाज्मा के अंदर घुले हुए होते हैं। वो सब्सटेंसेज क्या होते हैं? जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल्स, हॉर्मोन्स और गैसेस। तो इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स हमेशा हमारे ब्लड के अंदर रहते हैं, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से सारे के सारे प्रोटीन्स सर्कुलेशन में बने रहते हैं। अगर प्लाज्मा प्रोटीन लेवल्स कम हो जाता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हो जाता है, जिसके कारण फ्लूइड टिश्यू में भर जाता है, जिसको ओडीमा बोलते हैं या फिर एडीमा बोलते हैं। प्लाज्मा की विस्कोसिटी यानी कि प्लाज्मा का गाढ़ापन प्लाज्मा प्रोटीन के कारण ही होता है। सभी प्लाज्मा प्रोटीन्स लीवर के अंदर बनते हैं, सिर्फ इम्यूनोग्लोबिन को छोड़कर। एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करने में हेल्प करता है, ग्लोबिन्स जो होते हैं वो इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं, और हॉर्मोन्स के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दिए जाएं तो उस प्लाज्मा को सीरम बोला जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स मसल्स जो होती हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं, नर्व इम्पल्सिस ट्रांसमिशन में भी हेल्प करते हैं, एसिड बेस बैलेंस में हेल्प करते हैं, और पीएच बैलेंस भी इन्हीं की वजह से होता है। प्लाज्मा के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, मिनरल सॉल्ट्स, वाइटमिन्स। ये सभी न्यूट्रिएंट्स एनर्जी प्रोडक्शन, हीट प्रोडक्शन, टिश्यू रिपेयर और रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। प्लाज्मा के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। ये वेस्ट प्रोडक्ट लीवर के अंदर बनता है, और इनको ब्लड के थ्रू किडनी तक ले जाया जाता है, ताकि इसको एक्सक्रीट किया जा सके। प्लाज्मा के अंदर कुछ हॉर्मोन्स भी होते हैं, ये हॉर्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, और ये हॉर्मोन्स सेल की जो एक्टिविटी होती है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। प्लाज्मा के अंदर गैसेज भी पाई जाती हैं, ऑक्सीजन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में एरिथ्रोसाइट्स ट्रांसपोर्ट करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट के रूप में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हमारे शरीर में कुछ परसेंट नाइट्रोजन गैस भी एंटर कर जाती है जैसे ऑक्सीजन आती है, लेकिन इसका बॉडी के अंदर कोई काम नहीं होता। आई होप कि आपको अब ब्लड प्लाज्मा के बारे में पूरी नॉलेज हो गई होगी इस वीडियो को देखने के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।